मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। काला टीका लगा दूं, किसी की नजर ना लगे। काला टीका। कैमरा दे। बेबी के साथ मैडम की जोड़ी अच्छी लग रही है ना? बहुत बहुत अच्छी लग रही है। क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं, एक्चुअली आपका फोटो आपकी बेबी के साथ ले लिया है, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं आप। एक मिनट, अब बताइए। वाओ, आप प्लीज ये पिक्चर ना मुझे भेजिएगा, मैं रूम में इसे फ्रेम करके लगाऊंगी। फ्रेम में? ये तो एड में जानी चाहिए। एड में मेरे पिक्चर्स? एक्चुअली कहने का ये मतलब है, आप इतनी फोटोजेनिक हैं और आप इतनी अच्छी लग रही हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप दोनों की फोटो एक साथ ले लें। ओह माय गॉड, मेरी फोटो शूट भी? यस मैम, आपकी फोटो। अब एक काम कीजिए, आप जल्दी से ना एक अच्छा सा ड्रेस चेंज करके आइए, फिर हम लोग फोटो शूट करते हैं। यस एब्सोल्युटली, मैं बस अभी आई चेंज करके, दो मिनट में। हाँ चलो बेबी। मैम 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 मैम, बच्चे को आप यहीं रख दीजिए ना। पर आप बेबी को यहीं रख दीजिए, तब तक मैं उसका सोलो फोटो ले लेता हूँ। ओह ओके ओके श्योर, आप क्लिक कर लीजिएगा। मैं दो मिनट में आती हूँ। ओके डोंट क्राई, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। देखो देखो कितना स्माइल कर रही है। मैं आ रही हूँ दो मिनट में, प्लीज थैंक्स। भाभी श्री किधर है? श्रेया तुम तो मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ गई हो, मैंने कहा ना कि फोटो शूट तो होके ही रहेगा। भाभी पर श्री है कहाँ? आप उन्हें अंदर फोटोग्राफर्स के साथ अकेला छोड़ के आए? भाभी हम जानते तक नहीं है उन लोगों को, आप ऐसे कैसे? नहीं भाभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अभी श्री के पास जाना है। एक मिनट, तुम्हें कौन सी भाषा समझ आती है श्रेया? मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दो। अभी मैं कह रही हूँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे प्लीज अंदर जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगी अंदर, बोलो क्या करोगी तुम? ये नौटंकी करके ना ये जताने की कोशिश मत करो कि सिर्फ तुम्हें ही मेरी बच्ची की फिक्र है और मुझे नहीं है। भाभी हटिए मेरे रास्ते से। अरे श्रेया अंदर फोटोशूट चल रहा है, ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? दरवाजा खोलिए। एक्सक्यूज मी, दरवाजा खोलिए प्लीज। अरे दरवाजा खोलो प्लीज। अरे खोलो दरवाजा। श्रेया माया क्या हो रहा है? मम्मी देखे ना, श्रेया अंदर फोटोग्राफर्स के साथ अकेली और उन्होंने दरवाजा बंद करके रखा है। क्या दरवाजा खोल? दरवाजा खोल नहीं रहे ये लोग। खोलो दरवाजा। अरे दरवाजा खोलो, ये दरवाजा तोड़ना होगा। हाँ मेरी बच्ची कहाँ ले गए वो लोग मेरी बच्ची को? मम्मी वो लोग श्री को लेके भाग गए। इसीलिए श्रेया को हर परिस्थिति में उसका कवच बनकर उसकी रक्षा करनी होगी। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे सविता कि ये शक्ति किसी गलत हाथ में न जाए। कहा गई श्री, माता के अंश को मैं कुछ नहीं होने दे सकती। पापा रोहित भैया और वैभव घर पर नहीं है, हमें श्री को ढूंढना होगा। उसके किनापर अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें बाहर निकल के देखना चाहिए। मम्मी चलिए। क्या करें इसका? बॉक्स में। अच्छा वो बॉक्स में बच्चे को रख दिया, किसी को शक भी नहीं होगा। नेत्रा मैडम बड़ी खुश होंगी हमसे, उनका काम कर दिया हमने, आती होंगी इसे लेने।
वो फोटोग्राफर का नंबर भी नहीं लग रहा है। अभी आपको अभी भी लगता है वो फोटोग्राफर थे? ये क्या हो गया मुझसे, इतनी बड़ी गलती? नहीं, हम कुछ नहीं होने देंगे शिको। कहाँ लेके गए हमारी श्री को? कहाँ होगी मेरी बच्ची? श्रेया, क्या हुआ मम्मी? ये देखो आंवले। श्री को बहुत पसंद है ना आंवले? ये देखो यहाँ, यहाँ पे। छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें, मेरी बच्ची। कहीं ये अपना मुंह ना खोल दे, मेरा नाम ना बता दे कहीं। बताओ किसने भेजा है तुम्हें, कहाँ है श्री? मम्मी, इन लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, पुलिस के पास लेकर जाना होगा इन्हें। अरे हमें हमें कुछ नहीं मालूम। अरे रुको। बच गए, ये तो भाग गए। हाँ मम्मी, मिल गई मेरी बच्ची। इसमें हो गई। ये बॉक्स लेके कहाँ जा रहा है? चली गई ये बच्ची? नहीं, माता का अंश है श्री, मेरी जिम्मेदारी थी वो, कहीं मैंने खो तो नहीं दिया उसे। फिर हाथ से निकल गई बच्ची, पता नहीं हमेशा कुछ ना कुछ करके खुद को बचा लेती है। मैडम, मैंने आपको बोला तो था कि ये आम बच्ची नहीं है, बहुत ही चमत्कारी बच्ची है। इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगी ये। हाथ में कैसे नहीं आएगी, उसे तो मैं हासिल करके रहूंगी। क्यों ना हम सविता दीदी की बहन कविता दीदी का इस्तेमाल करें? मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। हाईवे पे जाओ,
सारे ट्रक और टेम्पो चेक करो, उनमें से किसी एक में ही होगी बच्ची। इस बार वो मेरे हाथ से बचेगी नहीं बच्ची। बॉक्स कैसे गिर रहे गाड़ी में से अपने? पता नहीं प्राची। चल उठा कर रख जल्दी, चल। ठीक है प्राची। ये बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? रखो बॉक्स। ये किसका बच्चा है? अरे ये बच्चा चोरी करके तू मेरे ट्रक में ले जा रहा था। क्या बात कर रहे हो पाजी, मैं नहीं जानता इस बच्चे के बारे में। ये कहां से आया और किसका है? लो बेटा, अगर किसी ने हमें इस बच्चे के साथ में देख लिया ना, तो सोचेंगे हमने किडनैप किया है। तो अब क्या करें पाजी? क्या करें क्या मतलब, मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकाल इसे फटाफट यहां से। इतनी छोटी बच्ची पाजी, इस तरह सड़क पर छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। तुझे बड़ी हमदर्दी आ रही है, मैं नहीं लेके जा रहा इस मुसीबत को अपने साथ में। चल उठा निकाल इसको फटाफट। हाँ श्रेया। वैभव। श्रेया क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं वैभव, कुछ ठीक नहीं है। वो श्री। क्या हुआ श्रेया, कुछ बोलो, बताओ क्या हुआ, काम डाउन। वैभव, श्री का कुछ पता नहीं है, वो कहीं नहीं मिल रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं घर आ रहा हूँ। हाँ। अरे वैभव बेटा, कहाँ जा रहा है भागा भागा, इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? क्या बात है? नहीं ताई जी, वो श्रेया का ना कॉल आया था, बहुत रो रही थी, श्री कहीं गुम हो गई, मिल नहीं रही है। ये श्रेया तो फूट फूट के रो रही होगी। अब देख, तू तो दिन भर देखता ही है, श्रेया दिन भर माया की बेटी की इर्द गिर्द घूमती रहती है। माना की भतीजी है, लेकिन कुछ ज्यादा लगाव नहीं हो गया उसे माया की बच्ची से? नहीं मतलब देख, जब श्रेया की खुद की बच्ची चली गई दुनिया से, तभी भी इतना नहीं रोई थी जितना आज माया की बेटी के खो जाने पर रो रही है। अरे सोच क्या रहा है, चल 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 घर चलते हैं। हाँ चल 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 चल। सर ये देखिए, साइन ले आया, मैंने साइन करा लिया सर। ओ वाओ, करवा लिया तुमने? हाँ सर। मैं सच बताऊं तो लगा नहीं था कि तुम करवा पाओगे। सर जैसा मैं दिखता हूँ ना सर, वैसा हूँ नहीं। नहीं मतलब दिखता बोला हूँ, लेकिन हूँ मैं शार्प। आपको धीरे धीरे मेरे टैलेंट के बारे में पता चलेगा सर। ठीक है।
अदिति के साइन है ये? हाँ सर। अदिति का साइन है ये? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, ये तुमने साइन करवाया कैसे? उसको शक नहीं हुआ? कोचिंग का 3-4 पेपर साथ में था ना, उसके साथ में ये पेपर डाल दिया सर। उन्होंने ऐसा जनार्दन साइन मार दिया सर। वो पेन खराब था सर, सस्ते वाले पेन यूज करती है ना, उसका स्याही लीक हो गया। हाँ, स्मार्ट, वेरी 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 स्मार्ट, आई एम इम्प्रेस्ड, गुड। चलो थैंक्स, तुम्हें इसका पेमेंट जरूर मिलेगा। बस सर, आपके छत्र छाया में काम करने का मौका मिले सर, बस और क्या चाहिए मुझे। वैसे सर ये साइन क्यों करवा रहे हैं, कुछ प्लान किए हैं क्या? बताइए ना सर। उठो उठो उठो, स्मार्ट का है, ओवर स्मार्ट मत बनो। काम कर दिया ना तुमने, तुम्हें इसका पेमेंट मिल जाएगा। चलो 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 जल्दी। हेलो सर, वो आपने बात की एग्जाम के लिए बस 7 ही महीने बचे हैं। हाँ, पर उस बंदे को पेमेंट चाहिए होगा 1 महीने के अंदर अंदर, तो पैसों का इंतजाम करना होगा जल्द से जल्द। हाँ हाँ सर, वो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, ये निशांत करने क्या वाला है? ये स्टूडेंट के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहा है? चलो चलो यहाँ से, बहुत गर्मी है। सुनिए, बहुत थक गए, ये गर्मी तो जान ले लेगी। अब और नहीं चला जा रहा, बहुत थक गया, बैग रख दे। सुनिए, एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं, कोई कार आएगी तो उससे लिफ्ट ले लेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो सिर्फ 2 हफ्ते की है मेरी बेटी। प्लीज प्लीज, आप उसे कैसे भी ढूंढिए। मैं उसके फोटो भिजवाता हूँ, मेरे मोबाइल में, मैं अब भी भिजवाता हूँ आपको फोटो। प्लीज प्लीज, आप उसे कैसे भी ढूंढिए प्लीज। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। वैभव, मेरी बेटी मिल जाएगी ना यार? मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने पहले ही अपना एक बच्चा खोया, अब मैं श्री को नहीं खो सकती। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कहाँ होगी, भूखी है वो। माया रिलैक्स, मिल जाएगी। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, श्री जल्दी ही मिल जाएगी। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। श्रेया कहाँ है? वो रूम में। मैं आया। रिलैक्स 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 माया। श्रेया, वैभव, श्री को भूख तो नहीं लगी होगी ना? उसके दूध पीने का टाइम हो गया। बोलो ना वैभव। श्रेया काम डाउन, मिल जाएगी श्री। हाँ वैभव, श्री किधर है? आज सुबह से उसकी आवाज तक नहीं सुनी, उसके किलकारियों से तो नींद खुलती है आजकल मेरी। इतनी सी है लेकिन लगता है उससे ढेर सारी बातें करनी हो, दिन भर घर में चहकती रहती है चिड़िया की तरह। वैभव, आज मैं उसकी आवाज को बहुत मिस कर रही हूँ। वैभव बोलते क्यों नहीं हो, किधर है श्री? मिल जाएगी, मिल जाएगी। श्री
श्रेया दिन भर माया की बेटी की इर्द गिर्द इर्द गिर्द घूमती रहती है। माना की भतीजी है, कुछ ज्यादा लगाव नहीं हो गया उसे माया की बच्ची से? श्रेया की खुद की बच्ची चली गई दुनिया से, तभी भी इतना नहीं रोई थी जितना आज माया की बेटी के खो जाने पर रो रही है।